फ्रेंड्स, आज मैं दूध का रसगुल्ला बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया और उस दूध को विनेगर डाल के फाड़ के फिर छेना तैयार कर लिया और छेना को मैंने 5-6 पानी से मलमल के धो के फिर इस कॉटन के कपड़े में या मलमल के कपड़े में पोटली बना के इसको टांग दिया था 2-3 घंटे के लिए। 2-3 घंटा में पानी, सारा पानी इसका निकल गया और ये ऐसा सूखा ये पनीर बन गया है। अब इसका हम रसगुल्ला बनाएंगे। आमतौर पर रसगुल्ला लोग बनाते हैं तो गर्म रहता है, तब जो है तब तक एकदम मुलायम रहता है और ठंडा होने के बाद कड़क हो जाता है रसगुल्ला। लेकिन आज मैं जिस तरीका से बना रही हूँ वो तरीका से रसगुल्ला जो है सो ठंडा होने पर भी आपका रसगुल्ला एकदम मुलायम, रुई की तरह मुलायम रहेगा। इसके लिए मैं एक बड़ा बर्तन में छेना को अच्छे से मसल के इसको सॉफ्ट करेंगे। एकदम से छेना को मिलाते मिलाते दोनों हाथ से मैश करके, जैसे आटा सॉफ्ट मुलायम हो जाता है रोटी बनाने वाला, वैसा एकदम से छेना भी हो जाएगा। अभी ऐसा है और जिसको इसको जितना मलेंगे उतना मुलायम हो जाएगा। अभी ये छेना तैयार नहीं हुआ है रसगुल्ला बनाने के लिए, अभी बहुत कम से कम 10 मिनट इसको मलना है और ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट मले तो और अच्छा होगा। जितना आप, जैसे कि रोटी का आटा को जितना सानते हैं, जितना अच्छा से उसको गूंथते हैं उतना मुलायम रोटी बनता है, वैसे ही इस छेना को आप जितना मसलेंगे अच्छा से मुलायम बनाएंगे उतना जो है सो आपका रसगुल्ला एकदम से मुलायम हो जाएगा, रुई की तरह मुलायम रहेगा। मैंने 10 मिनट इसको मसले है अच्छा से, तभी भी अभी उतना तैयार नहीं हुआ है, 5-7 मिनट और इसको मसलेंगे। देखिए ये दाना दाना दिख रहा है, जब तक ये दाना दाना दिखेगा तो अच्छा से छेना तैयार नहीं हुआ रसगुल्ला बनाने के लिए। और जब ये मिलते मिलते ऐसे दाना नहीं दिखेगा तब रसगुल्ला बनाने के लिए, अच्छा रसगुल्ला बनने के लिए तैयार हो जाएगा छेना। और इसको मिलाना है मुझे। देखिए मैंने इसको 15 मिनट अच्छे से आटा की तरह इसको मसल मसल के एकदम से मुलायम किया है। इसमें छेना मैं कुछ मैंने कुछ डाली नहीं हूँ, खाली छेना है दूध का, इसमें कोई मैदा या कॉर्नफ्लोर मैंने कुछ नहीं डाला है, ना सूजी डाला है। ये प्योर छेना का रसगुल्ला बना रही हूँ, बंगाली रसगुल्ला। और इसको मसलते मसलते इसमें से घी निकलने लगता है। देखिए अब तैयार हो गया ये। अब मैं इसको मैं इसका जो है सो इसको जितना भाग में रसगुल्ला बटेगा उतना बना लेती हूँ। जितना छोटा बड़ा आपको रसगुल्ला का पीस चाहिए उतना बड़ा बना सकते हैं, छोटा या बड़ा जैसा भी।
8 पीस हुआ है 1 लीटर दूध का। आप अगर छोटा बनाना चाहे तो छोटा भी बना सकते हैं, या बड़ा बनाने चाहते हैं तो बड़ा डो बना सकते हैं, और इसमें से सब में से थोड़ा डाल के 6 पीस 8 पीस भी बना सकते हैं। लेकिन जैसा रसगुल्ला आमतौर पर रहता है उस साइज से मैंने बनाया है। अब इसको, इस रसगुल्ला को ऐसे हाथ से पहले छेना को हाथ में लेके टाइट करेंगे, ठीक है ऐसे, और फिर रसगुल्ला का शेप दे देंगे ऐसे जैसे, दूसरे हाथ पर डाल के आप कर सकते हैं। देखिए ऐसा सब रसगुल्ला ऐसे बना लेंगे। पहले हाथ से इसको दबाना है, अगर नहीं दबाएंगे तो ढीला रहेगा, तो जब चाशनी में डालेंगे उबलने के लिए तो टूट जाएगा, इसलिए अच्छे से इसको हाथ से प्रेस करना है और फिर जो है सो गोल गोल घुमा लेना है। मैंने 9 पीस रसगुल्ले बना लिए हैं। अब मैं इसको पकाने के लिए रखूंगी। इसके लिए मैंने कुकर में 1 बड़ा गिलास पानी डाला, ऐसे बड़े गिलास से मैंने पानी डाला। कप होगा तो 1.5 कप पानी डाल सकते हैं। शक्कर है 2 चम्मच के बराबर डालियो, और जब उबलेगा तब उसमें रसगुल्ले डालूंगी। और कुकर में का पानी और चीनी थोड़ा डाली थी, उबलने लगा है, अब इसमें सारे रसगुल्ले डाल दूंगी। आराम से डालना है, हाथ नहीं पकना चाहिए। अब इसको कुकर को मैं गर्म कर दूंगी। कुकर में 3 सीटी जब दे देगा तो मैं आंच बंद कर दूंगी। अभी 2 सीटी हुआ है, 1 सीटी और देगा तब मैं गैस पर से नीचे उतार दूंगी कुकर को। जब तक कुकर ठंडा होगा तब तक मैं 1 गिलास और पानी डाल दिया दूसरे बर्तन में, और जो बाकी का चीनी था वो मैं डाल रही हूँ। आपको अगर कम मीठा पसंद है रसगुल्ला तो और कम शक्कर कम कर सकते हैं, और ज़्यादा मीठा चाहिए तो और भी थोड़ा डाल सकते हैं। अब इसको उबालूंगी मैं थोड़ा देर, तब तक मेरा कुकर ठंडा हो जाएगा। देखिए रसगुल्ले कितने अच्छे हुए हैं। अब जो चीनी और पानी मैं उबाली हूँ चाशनी के लिए, तब तक घुल गया है चीनी। अब इसमें मैं ये उबले हुए रसगुल्ले डालूंगी पानी के सहित। अब 10 मिनट तक इसमें उबालूंगी अच्छे से, गैस का फ्लेम मीडियम कर दूंगी। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, कुकर में जल्दी से सीटी दे देता है, इसलिए मैंने कुकर में सीटी लगाया। फिर इसके बाद कढ़ाई में 10 मिनट और पकाऊंगी रसगुल्ले को। हाथ नहीं लगाना है, ठंडा पानी भी नहीं डालना है। 10 मिनट मैंने रसगुल्ला को कढ़ाई में रख के उबाला। देखिए घी भी छूट रहा है इसमें से। मैंने ज़्यादा पानी नहीं डाला था रस के लिए, ज़्यादा रस हो जाने के बाद वेस्ट हो जाता है पानी चीनी वाला चाशनी, इसलिए मैंने कम पानी डाला है।
अगर आपको गुलाब जल डालना है तो डाल सकते हैं, मैं गुलाब जल नहीं डाली हूँ, मैं इलायची पाउडर डाल रही हूँ। रसगुल्ला को बीच से नहीं हिलाना है, टूट जाएगा, इसलिए साइड से ऐसे कर दिया। अब मैं गैस बंद कर दूंगी। देखिए रसगुल्ला फूल के कितना बड़ा बड़ा हो गया है। अभी गर्म है, ठंडा होने के बाद भी मैं आपको दिखाऊंगी। परफेक्ट बंगाली रसगुल्ला बना, एकदम मुलायम है, अभी तो एकदम मुलायम है रूई जैसा। ठंडा होने के बाद भी दिखाऊंगी आपको। ऐसे ही छोड़ देंगे, जब ठंडा हो जाएगा आधा घंटा बाद, तब फिर उसको फ्रिज में नहीं रखना है, बाहर ही रखना है। फ्रिज में रखने पर रसगुल्ला कड़क हो जाते हैं ठंडा पर, इसलिए व्हाइट रसगुल्ला को बाहर ही रखना अच्छा होता है। अब ठंडा हो गया रसगुल्ला, देखिए अंदर रस भी घुसा हुआ है अच्छा से। काट के मैं दिखाती हूँ आपको कितना मुलायम, एकदम रूई जैसा है। देखिए परफेक्ट बना है। एकदम रूई जैसा है, एकदम से बंगाली रसगुल्ला बना है। रसगुल्ला में याद रखिए मैदा या सूजी या कॉर्नफ्लोर कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ छेना का रसगुल्ला है। एक लीटर में 8-9 पीस बनते हैं। आपको कैसा लगा दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। रसगुल्ला बना के ज़रूर देखिएगा। थैंक यू।